हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों में एक्टिंग का कीड़ा होता है, पर अपने कुछ शारीरिक कमियों के कारण वो एक्टिंग की ओर कदम बढ़ाने से डरते हैं। अगर आपका रंग काला या सांवला है तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? अगर आपकी हाइट एवरेज हाइट से कम है तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? अगर आपने किसी एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग का कोर्स नहीं किया है तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? इसी तरह के बहुत सारे सवाल एक आम इंसान के मन में रहते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका रंग काला या सांवला है तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, आप बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स और फिल्म ऐसे होते हैं जिनमें उनको ऐसे एक्टर्स की जरूरत होती है जो काले या फिर सांवले रंग के हो, तो ऐसी जगहों पर आप ऑडिशन देकर ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी आजकल मेकअप से काले या सांवले रंग के इंसान को भी गोरा बनाया जा सकता है, तो काला या सांवला रंग आपके एक्टिंग के करियर में किसी भी रूप से बाधक नहीं है। फ्रेंड, अब आते हैं दूसरे सवाल पर, अगर आपकी हाइट एवरेज हाइट से कम है तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? इसका जवाब है आप बन तो सकते हैं, पर आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लंबी हाइट एक अच्छे पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पर रियलिटी यही है। इसका मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप अपनी एक्टिंग को इतनी अच्छी बना लीजिए कि आपकी सारी कमियां इसके सामने फीके पड़ जाए। आप ऑडिशंस देते रहिए, ट्राई करते रहिए, अगर आपके एक्टिंग में दम होगा तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे आपके लिए जो कैरेक्टर सूटेबल होगा उस रोल के लिए। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, आप बन सकते हैं, पर आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी फिल्मों का लैंग्वेज हिंदी होता है, तो आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, बस बात यह है कि आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। अब आते हैं अपने लास्ट सवाल पर, अगर आपने किसी एक्टिंग स्कूल से कोर्स नहीं किया है तो क्या आप एक्टर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, आप बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन करेंगे तभी आपको फिल्मों में चांस मिलेगा। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जो आज अच्छे मुकाम पर है और उन्होंने कहीं किसी एक्टिंग स्कूल या थिएटर से एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। अगर आप एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप टीवी सीरियल्स या फिर फिल्में देखकर अपने एक्टिंग को सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिना एक्टिंग की ट्रेनिंग लिए अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं, आप में एक्टिंग का पैशन है, तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एक सफल एक्टर बनना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि एक सफल एक्टर कैसे बने। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आप में भी कोई कमी है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपने एक्टिंग पे फोकस करें, ट्राई करते रहे, ऑडिशंस देते रहे, कभी भी हार ना माने। याद रखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा, चाहो तो कुछ भी मुमकिन है। वैसे ये डायलॉग्स मेरी एक फिल्म की है जिसका नाम है नागिन की चाहत, इसे आप YouTube पे देख सकते हैं, आपको बस सिंपली टाइप करना होगा नागिन की चाहत और आप फुल मूवी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।